बदलते लाइफस्टाइल और उसकी वजह से आए लाइफस्टाइल डिजीजेस एक बहुत बड़ा कारण था जिसने लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ अग्रसर होने को मजबूर कर दिया। और जाहिर सी बात है, बढ़ती डिमांड को मीट करने के लिए कंपनीज ने भी उन हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। लेकिन जो प्रोडक्ट्स हेल्थ के नाम पे मार्केट किए और बेचे जाते हैं, आइए देखते हैं उनमें कितनी हेल्थ है और कितनी मार्केटिंग। हेलो गाइस, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पहले हेल्थ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 प्रोडक्ट्स की जो हेल्थ के नाम पर बिक रहे हैं। नंबर 1 पर आता है मैगी ओट्स नूडल्स। हाँ, आपका फेवरेट 2 मिनट वाला नूडल। और अगर आप इंग्रेडिएंट्स की तरफ नजर डालोगे तो ओट्स की क्वांटिटी तो सिर्फ 40% है। इसका दूसरा सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है मैदा। और तो और, इन्होंने मैदे की परसेंटेज तक भी छुपा रखी है। खैर, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताओ, इंडियन मॉम्स को मैगी कब से अच्छा ब्रेकफास्ट लगने लग गया? कम से कम ब्रेकफास्ट तो अच्छा हो ना। ओट्स मैगी खा रही हूँ मॉम। और इसके अलावा द यूज ऑफ लो क्वालिटी एंड चीप पाम ऑयल, फूड एडिटिव्स सच एज थिकनर्स, ह्यूमक्टेंट्स एंड हाई डोसेज ऑफ सोडियम आर ऑफ कंसर्न। बट दैट्स नॉट द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है दैट दे आर पिचिंग मैगी एज अ हेल्दी मील रिप्लेसमेंट। एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट दिस स्ट्रेटजी हैज वर्क्ड प्रीटी नाइसली फॉर द ब्रांड। बट एक चीज का आप सारे यहाँ ध्यान रखिए, मैगी ओट्स नूडल्स इज नो बेटर देन मैगी नूडल्स, इवन आटा मैगी नूडल्स फॉर दैट मैटर। मील रिप्लेसमेंट तो बहुत दूर की बात है। इफ यू स्टिल want to have it, you can have it, but ये सोच के कभी मत खाना कि आप कुछ healthy खा रहे हो। खैर, बढ़ते हैं हमारे दूसरे product की तरफ। Real Juice का advertisement claim करता है कि इसमें कितने fruits का power है मेरे पास? पूरे 9 fruits का power है। 9 fruits की power है। पी के दिखाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चलो, अगर इतना बोल रहे हैं तो इनका मेन इंग्रेडिएंट फ्रूट जूस होना चाहिए, राइट? लेकिन इनका मेन इंग्रेडिएंट तो पानी है और जूस तो इसमें सिर्फ 12% है। तो बचा हुआ जूस कहाँ गया? सारे मिल के हमको पागल बना रहे हैं। और होगा कहाँ से, क्योंकि रियल जूस की एक सर्विंग आपको देगी लगभग 3 चम्मच चीनी। और साथ ही साथ आपको मिलेंगे फूड एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। एंड मोर ओवर, इट हैज अ मिनिस्क्यूल अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड आयरन इन कंपैरिजन टू द रियल फ्रूट जूसेस। एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज मार्केटेड टू चिल्ड्रन, इट इज अ इवन बिगर कंसर्न, बिकॉज दिस प्रोडक्ट हैज no nutrition whatsoever. So next time, let your kids enjoy the taste of real fruit juices instead of real juice, which will have way more nutrients than this packaged beverage. और इसी तरह ब्रिटानिया का ब्राउन ब्रेड और 100% होल व्हीट ब्रेड आपको प्रॉमिस करता है हर स्लाइस में सेहत। और इंग्रेडिएंट देखने से ही आपकी सेहत खराब हो सकती है, क्योंकि ब्राउन ब्रेड का दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है मैदा। साथ ही साथ इसमें भी डाले जाते हैं न्यूट्रिशनलेस पाम और रिफाइंड ऑयल, हार्मफुल एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, जो ब्रेड का टेक्सचर, शेल्फ लाइफ और कंसिस्टेंसी इंप्रूव करने के लिए डाले जाते हैं, विच कैन हैव सीरियस साइड इफेक्ट्स। और अंत में डाला जाता है कैरेमल कलर, जिसकी वजह से ब्रेड को ब्राउन कलर मिलता है। एंड ये सिचुएशन सिमिलर है हार्वेस्ट की होल व्हीट ब्रेड के साथ, which more or less has the same ingredients and can most likely be the situation with other bread products as well. So always look for the ingredients very carefully before making a choice. And if you still wish to have a bread, my suggestion would be to either bake it at home, or if you still want to have a market-bought bread, just be careful कि उसके ingredient list बहुत छोटा हो, उसमें किसी भी chemical और additive या फिर preservative का इस्तेमाल ना किया गया हो, whole wheat flour और combined whole grain flour to be at least 75-80%. और अगला product, it's much more tasty than brown bread. Presenting NutriChoice Digestive. But equally bad as a brown bread. यहाँ भी पहला ingredient मैदा ही है और इसको market किया जाता है Loaded with fiber. Tasty health biscuits. Fiber और health के नाम पर। तो 100 gram quantity में आपको मिलेगा 6 gram fiber. तो मतलब अगर आप एक serving में 2-3 biscuit खाते हैं तो आपको मिलेगा लगभग 2 gram fiber. इससे अच्छा तो आप एक medium size apple खा लो, जो at least आपको 4.5-5 gram fiber तो देगा ही देगा, और साथ ही साथ आपको देगा बहुत सारे vitamins और minerals. And moreover, NutriChoice के बाकी इंग्रेडिएंट्स लो क्वालिटी एंड चीप वेजिटेबल ऑयल, शुगर, लिक्विड ग्लूकोज, यूज ऑफ रेजिंग एजेंट, इमल्सीफायर और एडेड फ्लेवर इस प्रोडक्ट को ले जाते हैं हेल्थ से एकदम दूर। और इनके कॉम्पेटिटर सनफीस्ट फार्मलाइट डाइजेस्टिव ने बहुत स्मार्टली न्यूट्री चॉइस को शुगर और मैदे से भरा बताया है। चेंज टू सनफीस्ट फार्मलाइट डाइजेस्टिव, इसमें ना मैदा है ना एडेड शुगर। और अपने इंग्रेडिएंट में मैलिटॉल नामक स्वीटनर का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपकी हेल्थ को दे सकता है, अनलाइक टेबल शुगर। लेकिन इसके अलावा दोनों के इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, मेकिंग बोथ दीज ऑप्शंस अनहेल्दी फॉर ऑल ऑफ अस। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर सम हेल्दी बिस्किट्स एंड कुकीज, आई विल लिंक सम ऑफ देम इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और अंत में, सिर्फ एक मां अच्छी आदतों की अहमियत समझती है, इसीलिए वो अपने बच्चों को दूध देती है, बॉर्नविटा नहीं, क्योंकि बॉर्नविटा की एक सर्विंग आपके
बच्चों को देगी 2 से 3 चम्मच चीनी, और जो विटामिन और मिनरल्स का दावा किया है बॉर्नविटा ने अपने पैकेट के पीछे, तो वो आपके बच्चों की रेकमेंडेड डेली इंटेक से काफी कम है, जिसको पूरा करने के लिए या फिर उसके करीब पहुंचने के लिए आपको एनीवे दूध की जरूरत पड़ने वाली है। एंड दिस वॉज क्लियरली आइडेंटिफाइड फ्रॉम अ रिसर्च एंड अदर इंग्रीडियंट्स सच एज इमल्सिफायर्स, रेजिंग एजेंट्स, कलर एंड फ्लेवर आर ऑफ कंसर्न हियर एज वेल। सो आवर रिकमेंडेशन वुड बी टू स्टे अवे फ्रॉम प्रोडक्ट्स लाइक बॉर्नविटा बिकॉज दिस विल गिव योर किड्स एवरीथिंग बट हेल्थ। सो इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपने एंजॉय किया वीडियो तो शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ में। एंड अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड वॉचिंग आवर वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।